फिलहाल आप देख सकते हैं एक बुलेट को यहाँ पर रोका गया है जिसके काले रंग की प्लेट है और गोल्डन रंग के नंबर हैं इसके ऊपर। जी हाँ, देख पा रहे हैं तस्वीरों के अंदर, यहाँ लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ। बुलेट का चलान जो है अब होगा, शायद इसके पटाखे वाला सिलेंसर जो है वो भी लगा हुआ है तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। मेरी आप सभी से अपील रहेगी, कमेंट के अंदर जरूर बताना, काले रंग की प्लेट और पटाखे वाला सिलेंसर इसके ऊपर लगा हुआ है। अंकल जी, काले रंग की प्लेट है इसकी, तो काले रंग की प्लेट है। आप देख सकते हैं अब बुलेट को स्टार्ट करके चेक किया जाएगा। आप देख सकते हैं बुलेट को स्टार्ट कर लिया गया है। जी हाँ, बुलेट को स्टार्ट कर लिया गया है। किस तरह से पटाखे, इस तरह से कई बार अवेयर जो है वो कर चुकी है पुलिस पर, आप देख पा रहे हैं, पर मानने को तैयार नहीं होते। फिलहाल आप देख सकते हैं ये वीडियो बना ली गई है, एसपी गंगाराम पुनिया जी को भी ये वीडियो भेजी जाएगी, इसके आधार पर ये जो है बुलेट अब इसका चलान जो है वो किया जाएगा। फिलहाल देख सकते हैं दूर खड़े हो गए हैं, उन्हें बुलाया जा रहा है। कृष्णा सलवाल के माध्यम से सीधी तस्वीरें जहां पर बुलेट चलाता हुआ युवक पुलिसकर्मी के पास नहीं आ रहा है और देखिए एक बाइक वाला गिर भी जाता है किस तरह से अब बाइक को रोकने का प्रयास किया तो बाइक वाला गिर भी जाता है। तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं शायद महिला को अब देख सकते हैं अब इस बुलेट बाइक का चलान जो है वो किया जाएगा। जिस तरह से पटाखे जो है ये बाइक मार रही थी, जो आपको बता दूं पटाखे जो है वो बाइक मार रही थी, और ऐसी कंप्लेंट्स काफ़ी पुलिस के पास आती हैं तो इसके आधार पर जो बुलेट्स हैं उन्हें चेक किया जाता है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बुलेट के बारे में, पटाखे जो है वो मार रही है? देखिए, ये काफ़ी दिनों से बुलेट का स्पेशल अभियान चला रखे है। ये जो यंग एज के लड़के हैं ये सालों से मॉडिफाई कर लेते हैं, ऐसी कोई बुलेट नहीं बनी है कि जो पटाखे मारे। इसका खाली सालसर मॉडिफाई कराने से जो ढोलकी होती है ढोलकी में जाली नहीं होती, जाली ना होने के कारण जब गाड़ी को स्पीड में ऑन ऑफ किया जाता है तो ये पटाखे बजा देती है। तो इसका चलान बड़ा भारी है, 10,000 रुपये फाइन है और डॉक्यूमेंट्स नहीं था उनका अलग से है, तो इसका चलान 10,000 रुपये का। काफ़ी समय से अवेयर कर रहे हैं पर मानने को तैयार नहीं है लोग। देखिए, आप लोगों के माध्यम से तकरीबन अब तो इलेक्शन में थोड़े बिजी थे जी, ये हफ्ता 10 दिन की थोड़ी ही जी हमारी कमियां रही क्योंकि ड्यूटियां ज़्यादा थी जी, तो फिर से ये अभियान शुरू किया गया है जी। ये तो जिन्होंने लगा रखे हैं ऐसे सिलेंसर उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो बहुत दिन पहले भी हमने ये कहा था कि भाई पेरेंट्स को भी ये थोड़ा अपील की थी कि भाई जिनके पास अपनी बुलेट है या कोई भी व्हीकल है, एक बार जब घर से आपके बच्चे व्हीकल ले कर चलते हैं तो कृपा करके उनके डॉक्यूमेंट्स, उनकी गाड़ी का हुलिया, जैसे नंबर भी आउट ऑफ पैटर्न है तो अवश्य चेक कर लें, अन्यथा भारी जुर्माना का सामना आपने करना पड़ेगा। सर, अभी क्या आ गए? कुछ भी नहीं था, जो भी नाम है तो कुछ भी नहीं करवाया। ये वैसे नहीं ली थी आपने? आप बता दें क्या बता दिया, वहाँ बताइए नाम आप। आप देख सकते हैं चलान जो है वो किया जा रहा है। बाइक अभी खरीदी है जी, तो RC को हम इग्नोर भी कर देंगे जी, लाइसेंस तो कम से कम होना चाहिए, और अभी ली है तो सालसर मॉडिफाइड क्यों है? ये तो जब भी कोई ऐसी व्हीकल चलान के लिए रोकी जाती है तो बहाने तो हजार होते हैं। सर, लगता है कि अवेयर करते करते काफी ज्यादा कम हो गए हैं, सतर्क हो गए हैं युवक? ये ना तो समझदार है, पढ़े लिखे हैं।
आप देख सकते हैं काफी समय पहले यहाँ से अपनी बाइक छोड़कर चले गए थे, अब चलान हो गया है तो अब आरोप जो है वो पुलिस के ऊपर लगाए जा रहे हैं। अब देख सकते हैं बुलेट को इम्पाउंड कर दिया गया और यहाँ से लगते थाने में जो है वो लेकर जाया जा रहा है। मेरी आप सभी से अपील रहेगी कमेंट के अंदर जरूर बताना। देख सकते हैं जैसे बुलेट का साइलेंसर मॉडिफाइड किया है, हेलमेट नहीं है, इनके पैसे इनको भरने पड़ेंगे। लाइसेंस कितना होगा? लाइसेंस कहाँ से आना आपको बनवाना मेरे भाई? हाँ भाई लाइसेंस से पहले इतना क्यों शादी से पहले पत्नी भेज देगा कोई? मेरी लाइसेंस बनने से पहले कैसे चला? नंबर तो आगे भैया कागज नहीं आए आपका लाइसेंस तो होगा। ये नंबर प्लेट देखिए कैसे मोड़ रखी है, ये नंबर प्लेट से छेड़छाड़ मामला वो है वो काफी समय से चल रहा है। नंबर प्लेट से भी छेड़छाड़ वाला मामला मैंने आपको पहले भी दिखाया था, फिर से चल रहा है। नंबर प्लेट को आगे मोड़ दिया जाता है ताकि कैमरे के अंदर ना, ये देख सकते हैं नंबर जो है अभी सरकारी नंबर प्लेट भी नहीं है, फिर भी नंबर प्लेट से छेड़छाड़ जो है वो की जाती है। और बुलेट मोटरसाइकिल पर देख सकते हैं जो चेकिंग कर रहे हैं यहाँ पर मौके के जो इंचार्ज हैं वो देख सकते हैं इस मोटरसाइकिल को भी अब चेक किया जाएगा। ये पटाखे मारती है नहीं, इसे भी स्टार्ट कर दिया गया। मेरी आप सभी से अपील रहेगी जरूर करते रहे, इस बाइक को भी रोका गया है और इसे भी शायद इम्पाउंड या इसका भी चलान जो है वो किया जाएगा। के छात्र हैं रोके, इनसे पूछा जा रहा है हेलमेट क्यों नहीं लगाते। जी मैंने भी इनसे बात की कि आप बच्चे हेलमेट क्यों नहीं पहनते, तो इनका कहना है बाल खराब हो जाएंगे। तो फिर इनके बाल सेट कर देते हैं। तो आप और हेलमेट लगाने के लिए बोला है, हम कह रहे हैं हेलमेट हम लगाएंगे, पाँच साल में तो कुछ हुआ नहीं था, अब क्या होएगा हमारे को? जितनी बार मिलेंगे इतनी बार चलान करेंगे, बाल भी सेट हो जाएंगे, इनके पेरेंट्स भी सेट हो जाएंगे, खुद भी सेट हो जाएंगे। क्या लगता है इस तरह से बदतमीजी करना ठीक है? देखिए ये पेरेंट्स की कमी होती है, मैं बार बार आप लोगों से यही बता रहा हूँ कि भाई अभिभावकों से यही अनुरोध करते हैं कि भाई जब भी आपके बच्चे घर से बाइक या कार या टू व्हीलर कोई भी व्हीकल निकाल कर चलते हैं तो कृपया एक बार उनको अवश्य चेक कर लें भाई क्या बाहर जाने के लिए ज़रूरी सामान इनके पास है, हेलमेट है, आरसी है, लाइसेंस है। ये मैं तो पेरेंट्स की कमी कहूँगा कि जब पेरेंट्स अब कैमरा चला है सर वो भाग गए यहाँ से दूर, कोई बात नहीं इम्पाउंड कर देंगे, इम्पाउंड करेंगे। आप देख सकते हैं स्कूली छात्र थे, उन्हें जब बात की गई हेलमेट क्यों नहीं लगाते, साफ तौर पर कहना था कि हमने जो है बुलेट देख सकते हैं बिना नंबर प्लेट की, बिना नंबर प्लेट की बुलेट रोकी गई है, इस पे नंबर प्लेट भी नहीं है। और देख सकते हैं अब इसे भी चेक जो है वो किया जाएगा, आगे नंबर प्लेट नहीं है, हालांकि तीसरी बुलेट है और लगातार ये चेकिंग अभियान जो है वो चल रहा है। स्कूली छात्रों की एक्टिवा दिखा देता हूँ जो कह रहे थे हम हेलमेट लगाएंगे तो हमारे बाल खराब हो जाएंगे, जब कैमरा चलता है तो यहाँ से वो भाग जाते हैं, एक्टिवा छोड़कर ही भाग जाते हैं। आप देख पा रहे हैं अब इस बुलेट को भी चेक जो है वो किया जाएगा। मेरी आप सभी से अपील रहेगी इस वीडियो को देखिएगा भी जरूर, इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। एक और बुलेट मोटरसाइकिल देख सकते हैं, चौथी बाइक बुलेट को रोका गया है, हेलमेट हालांकि लगा रखा है पर ढोलकी इसकी कहीं ना कहीं चेंज करवा रखी है, जो पटाखे जो है वो मारती है। जी हाँ ये देख सकते हैं बुलेट को, इसको भी रोक लिया गया है। आप ये देख सकते हैं किस कारण पटाखे नहीं बजते वो भी जानने का प्रयास करेंगे। जी साइलेंसर में और साइलेंसर है ये, जी ये प्लग टाइप लग गया होगा जी या ये लग गया होगा जी, वो बुलेट कभी भी पटाखे नहीं बजाएगी। उदाहरण के तौर पे मैं चेक करके दिखा देता हूँ। सर क्या नहीं लगा होगा एक बार बताइएगा, आप देख सकते हैं कि जिस बुलेट के साइलेंसर के ऊपर ये प्लग टाइप होता है, जैसे इंजन का प्लग होता है ना ये देखिए, और ये लगा होता है, ये अगर साइलेंसर में लगा है तो उसको समझो ओरिजिनल साइलेंसर है। अच्छा उदाहरण के तौर पे मैं माइक हटाओ
अब देख सकते हैं, अब इस बाइक को चेक किया जाएगा, स्टार्ट करके दिखा रहे हैं। अब ये पटाखे मारेगी या नहीं वो देखने वाली बात होगी। हालांकि बताया ही जा रहा है कि ये ओरिजिनल सलेंसर है, शायद ये पटाखे जो है वो नहीं मारेगी। देख सकते हैं बिल्कुल भी पटाखे नहीं मार रही, देख पा रहे हैं तस्वीरों के अंदर। मेरी आप सभी से अपील है, इस वीडियो को शेयर जरूर करते रहें।